हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें सिर और पैर दिया होगा, हमें बताना होगा कितनी जानवर हैं, उनकी संख्या हमें फाइंड करना है। हेड एंड लेग दिया होगा। तो अगर जो मेरी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120 तथा सिरों की संख्या 140 है। यदि उनमें कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियां हैं तो गायों की संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका कितना पैर होता है, किसका चार पैर होता है, किसका दो पैर होता है। अगर ये पता नहीं होगा आपको तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी पता होना ज़रूरी है। तो गाय का कितने पैर होता है? चार पैर होता है। तो इसमें क्या पूछा है? चार पैर वाले जानवर की संख्या पूछा है। तो चार पैर वाले के लिए हमारा एक ट्रिक है, चार पैर वाले जानवर की संख्या के लिए ट्रिक है। तो इसके लिए ट्रिक हमारा क्या है? H माइनस L अपॉन टू। H का मतलब क्या होगा? हेड। हेड मतलब सिर होता है। और लेग L का मतलब क्या होगा? लेग। लेग में पैर होगा। तो हम इसमें वैल्यू को रखेंगे तो H मतलब हेड हुआ, हेड। सिर हमारा कितना है? सिर हमारा कितना दिया है? सिर हमारा दिया है, सिरों की संख्या दिया है 40 दिया है। तो 40 को हम लिखेंगे यहाँ पर 40, फिर माइनस 40 माइनस एल लेग का देख लेंगे। लेग कितना दिया है? पैरों की संख्या कितना दिया है? तो पैरों की संख्या हमारा दिया है 120 दिया है। तो 120 को यहाँ पर लिख लेंगे, 120 को लिख लेंगे यहाँ पर। और अपॉन में क्या करेंगे? 2 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। फिर ये कितने बार में कटेगा? ये हमारा 6 बार में कटेगा। और ये 0 का 0 लिख लेंगे। और फिर हम इसे क्या करेंगे? इसे हम 40 में से माइनस करेंगे 60 को। ऐसे जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 20 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? गायों की संख्या हो गई, गायों की संख्या हो गई। तो ये गायों की संख्या हमारी पूछी थी, तो गायों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तो 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? इसमें क्या पूछा? इसमें कबूतर के कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। इसमें कबूतर की कुल संख्या पूछा है। तो कबूतर की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए दूसरा ट्रिक है, उससे थोड़ा सा चेंज है। तो दो पैर वाले जानवर इसमें हमें फाइंड करना है। तो ये हम क्या करेंगे? 2H माइनस L अपॉन 2 करेंगे। तो ये हमारा ट्रिक है दो पैर वाला निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, H मतलब हेड होता है। तो सिर हमारा कितना दिया है? तो सिर हमारा दिया, कुल सिर हमारा दिया 90 दिया है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 90 लिखेंगे। फिर माइनस जो दिया है माइनस को लगा लेंगे। और लेग हमारा कितना दिया है? लेग हमारा 224 दिया है। तो 224 को यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में 2 लिखना है। और जब हम इसे काटेंगे तो ये तो हमारा 2 से 1 बार में भी जाएगा, ये 1 बार में, फिर ये 2 बार में चला जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 180 होगा। और माइनस जो है माइनस को लगा लेंगे। और फिर जाके यहाँ पर कितना बचा है? 112 बचा है। फिर हम इसे जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा। ये किसका संख्या निकला? ये कबूतरों की संख्या पूछा था दो पैर वालों का, तो ये कबूतरों की संख्या 68 है। कबूतरों की संख्या कितनी है? 68 है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? गौरा के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? इसमें क्या पूछा है? इसमें उसके पास कितने मुर्गे हैं? मुर्गे के कितने पैर होते हैं?
तो दो पैर होते हैं। इसमें क्या पूछा, दो पैर वाले की संख्या पूछा है, तो दो पैर वालों की संख्या, तो इसके लिए हमारा ट्रिक है 2H-L/2, ये हमारा है। तो हम लिखेंगे पहले तो जो दिया 2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हेड हमारा कितना दिया है, तो हेड हम देख लेंगे कितना दिया है, सिरों की संख्या कितना दिया, 48 दिया है, तो 48 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, अब हम देखेंगे लेग कितना दिया, पैर कितना दिया, तो पैर हमारा दिया 140 दिया है, तो 140 को लिख लेंगे, अपॉन में 2 करना है। और जब हम इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा, फिर 0 का 0 लिख देंगे। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर माइनस जो है यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर 70 बचा है तो 70 लिख देंगे। फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मुर्गों की संख्या 26 हो जाएगा, 26 मुर्गे की संख्या हुई हमारा हो जाएगा की संख्या। ये हमारा फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा।